सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इससे को नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड के तरफ से आने वाली इनकी ऑल न्यू हंटर 250 के बारे में। जी हाँ गाइस, मीटियोर 350 के बाद रॉयल इनफील्ड के तरफ से आपको जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इनका देखने मिलने वाला है वो हो सकता है हंटर 250। तो आज के इस वीडियो में इसी बाइक के बारे में बात करेंगे, क्या इंजन स्पेसिफिकेशन, क्या फीचर्स और क्या प्राइस के साथ ये बाइक आपको देखने मिलने वाली है। साथ ही में ये बाइक आपको इंडिया में कब तक लॉन्च होती हुई दिखेगी, तो सब कुछ है इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के ओवरव्यू के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा, हाल फिलहाल में रॉयल एनफील्ड की कोई भी ऐसी बाइक अवेलेबल नहीं है जो कि आपको 250cc इंजन के साथ देखने मिलती है। और ये हंटर 250 ये फर्स्ट प्रोडक्ट होगा रॉयल एनफील्ड के तरफ से जो कि आपको 250cc सेगमेंट में देखने मिलेगा। और इसी बाइक के साथ रॉयल एनफील्ड वाले 250cc सेगमेंट में भी अपने कदम रखने जा रहे हैं। और गाइस, आपको याद होगा मैंने आपको एक न्यूज दी थी बहुत टाइम पहले, रॉयल एनफील्ड वाले अपने प्रोडक्ट्स को लेकर इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। रॉयल एनफील्ड के तरफ से आपको हर साल इनके दो प्रोडक्ट लॉन्च होते हुए जरूर दिखने वाले हैं। अभी फिलहाल मीटियोर 350 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इनका बताया जा रहा है लॉन्च हो सकता है वो है हंटर 250। और भी इनकी कुछ बाइक्स है जो आपको जल्द लॉन्च होती हुई दिखने वाली है, उनके बारे में मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग हंटर 250 के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको 250cc का इंजन देखने मिल जाएगा जो कि सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI यानी कि फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये इंजन ऑफर किया जाएगा। और इस इंजन के अगर कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो गाइस, फिलहाल के लिए ये बताया जा रहा है कि हो सकता है इसमें आपको फाइनली लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन देखने मिल जाए, बट शायद ये ना हो क्योंकि अभी रिसेंटली मीटियोर 350 लॉन्च हुई है जिसमें आपको ऑयल प्लस एयर कूलिंग का ऑप्शन दिया गया है। रॉयल एनफील्ड का ऐसा कहना है कि ये नई टेक्नोलॉजी है इनके इंजन के लिए, तो हो सकता है वो लोग हंटर 250 में भी यही सेम कूलिंग सिस्टम आपको इस इंजन में ऑफर करे। और वहीं बात करें इस इंजन के पावर आउटपुट्स के बारे में, तो गाइस मैक्सिमम पावर आपको 14 HP का देखने मिल सकता है एंड मैक्सिमम टॉर्क आपको 18 Nm के आसपास देखने मिल सकता है। वहीं बात करें इस बाइक के ट्रांसमिशन के बारे में, तो 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको इस बाइक का गियर बॉक्स देखने मिल जाएगा, और जो इग्निशन होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन आपको देखने मिलेगा एंड जो क्लच दिया जाएगा वो है मल्टीप्लेट। वहीं बात करें इस बाइक के ब्रेक टायर्स के बारे में, तो गाइस टायर साइज तो अभी तक एग्जैक्ट सामने नहीं आई है, हाँ लेकिन ब्रेकिंग के बारे में ये बताया जा रहा है आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी। डिस्क ब्रेक का डायमेंशन सामने नहीं आया कि कितने mm की आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाने वाली है इस बाइक के साथ, वो अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। बाकी ये कंफर्म है इस बाइक में आपको ड्यूल डिस्क के साथ ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाने वाला है। और वहीं बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने मिल जाएंगे एंड रियर सस्पेंशन में आपको ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर देखने मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस बाइक के साथ ऑफर किया जाएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फंक्शन तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही में आपको सारे इंडिकेशन जैसे कि स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, ABS लाइट, फ्यूल गेज, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर जैसे सारे जितने भी इंडिकेशन होते हैं वो सभी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने मिल जाएंगे। साथ ही में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर जैसा फीचर्स भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने मिल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। वहीं बात करें इस बाइक के लाइटिंग सिस्टम के बारे में, तो गाइस कंप्लीटली बाइक में आपको LED लाइट्स देखने मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से इनका एंट्री लेवल सेगमेंट वाली बाइक है, तो रॉयल एनफील्ड वाले इस बाइक को बाकी बाइक्स को कंपटीशन देने के लिए रेडी करने वाले, जैसे कि आपको बजाज की एवेंजर देखने मिलती है उस बाइक के साथ ये कम्पीट कर सकती है। और बाकी लाइटिंग सिस्टम में जैसे आपको मैंने बताया कंप्लीटली आपको LED लाइट्स देखने मिलेगी, चाहे बात करें हेडलाइट्स, टेल लाइट्स या फिर टर्न इंडिकेटर्स की, सभी में आपको LED लाइट्स देखने मिलने वाली है। और इसी के साथ ये भी न्यूज आ रही है इसमें आपको AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ऑन जैसा फीचर्स भी देखने मिल सकता है जो कि आपको बजाज की बाइक्स में देखने मिलता है। इसी के साथ इस बाइक के कुछ कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में बात करें, तो गाइस आपको इसमें पिलियन फुटरेस्ट, इंजन किल स्विच, इंजन स्टार्ट, राइडर फुट पैक्स, पिलियन ग्रैब ग्रिल जैसे सारे कंफर्ट और कन्वीनियंट फीचर्स भी आपको इस बाइक के साथ देखने मिल जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनली इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस प्राइस बताई जा रही है इस बाइक की करीबन 130,000 से लेकर 140,000 तक इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस आपको देखने मिल सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस बताया जा रहा है 2021 के मिड तक ये बाइक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अभी रॉयल एनफील्ड के काफी सारे
प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कौन सी बाइक वो लोग पहले लॉन्च करेंगे, ये अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन इस बाइक के रिलेटेड सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है कि मिड ऑफ 2021 में ये बाइक आपको ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होती हुई दिख सकती है। बाकी देखते हैं इसके ऑफिशियल लॉन्च के बाद ही पता चलेगी इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या होने वाली है और एग्जैक्ट फीचर्स आपको इस बाइक में क्या ऑफर किए जाने वाले है। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज के लिए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।